सो फर्स्ट ऑल इसका मैं डिटेल्स देता हूँ। दिस इज़ द 1998 मॉडल बजाज बॉक्सर 80। इसमें कुछ भी नहीं आता है, मतलब ना आता है इसमें फ्यूल मीटर, ना इसमें आता है बैटरी, और ना इसमें आता है टेल लाइट एलईडी, कुछ भी नहीं आता है। और इसका हेडलाइट जो है बहुत ही वीक था। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने H4 लगाया है सॉकेट। इसमें वायरिंग भी कुछ नहीं आता है, मतलब वायरिंग आता है तो उतना पावरफुल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें ना ही आता है ये पास स्विच। बेसिकली ये बिल्कुल स्टॉक में एकदम गंदा है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ऐसा बाइक पहले आप कंपनी से मिलता है। सो इसका मॉडिफिकेशन करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें इसको चेंज किया है। बेसिकली इसको मैं दो तीन बार मॉडिफाई कर चुका हूँ, दिस इज़ द फाइनल वन। और अभी काम बाकी है, बट मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, जो सेक्शन है बेसिकली सीट जो है बिल्कुल बना नहीं है, मतलब जुगाड़ से बना है। सीट अभी बनेगा, सीट का वीडियो पेंडिंग है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिटेल देता हूँ। ये जो आपका व्हील है, इसका ये स्टॉक व्हील है और इसका स्टॉक टायर है, जो कि एम इसका नंबर है 3018। ठीक है, स्प्लेंडर शब्द, बहुत ही अच्छा टायर है, और क्योंकि उसका पतला था। होंडा साइन से भी ये वायर, मतलब टायर जो है बहुत ही अच्छा है। अब इसको मैंने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्विंग आर्म को एक्सटेंड किया है। स्विंग आर्म एक्सटेंशन का वीडियो मेरे चैनल में उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं कैसे मैंने स्विंग आर्म है। बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ, चार उंगली बराबर पांच उंगली बराबर एक्सटेंड किया है। उसके लिए क्या करें, परेशानी आपको फेस करना पड़ सकता है। और उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सस्पेंशन इसको एडजस्ट किया है। सस्पेंशन बेसिकली एंगल जो था बिल्कुल स्ट्रेट था, थोड़ा सा स्ट्रेट था, और इसको मैंने 45 डिग्री या 60 डिग्री बोल दीजिए मैंने किया है, क्योंकि सस्पेंशन बेटर इसमें काम करता है। अब इसमें चेन्स पॉकेट मैंने एक नया डाला था, मतलब स्टॉक था, मैंने सिटी 100 का एक बार डाल के देखा था। उसमें टॉप स्पीड घट गया था बट पावर इनक्रीज हो गया था। उसके ऊपर मैं बाद में बताऊंगा। अभी ये जो स्टॉक है इसमें एक्सटेंशन स्विंग आर्म जो एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंड होने के लिए क्या करें, मैंने ये जो चेन है, चेन को आपको बढ़ाना पड़ सकता है। ठीक है, चेन बढ़ाना पड़ सकता है। और क्या आपको बढ़ाना पड़ सकता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो आपका ब्रेक रॉड है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ब्रेक रॉड है इसको मैंने यहाँ से बढ़ाया है वेल्डिंग करके। ठीक है, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ ये वाला। और इसमें जो स्टॉपर प्लेट आता है, स्टॉपर प्लेट बेसिकली ये जो स्टॉपर प्लेट आता है इसको मैंने बढ़ा है यहाँ पे वेल्डिंग करके। मतलब इसमें स्टॉपर प्लेट पत्ते और इसमें ब्रेक रॉड दो आपको बढ़ाना पड़ सकता है। और ये चैसिस मैंने कैसे, चैसिस का वीडियो मेरे चैनल में था बट वो गलती से डिलीट हो गया, तो इस हिसाब से चैसिस मैंने बनाया था। ठीक है, और नीचे का जो रेयर फेंडर है ये मैं स्टॉक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने हथौड़ा मार के थोड़ा सा चौड़ा किया है, उस हिसाब से लुक भी बढ़िया आता है। और ये जो आपका लाइट देख रहे हैं सिटी 100 का ही है, और मैंने कस्टम ये आपका टॉप रैक बनाया था, इसके ऊपर प्लेट आएगा। ठीक है, तो इसका वीडियो चैनल में है, वो कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, घर में आप इजीली बना सकते हैं। और इसको देख सकते हैं, जो प्लेट है मैंने डिज़ाइन किया है खुद से, सो इस हिसाब से मैंने देख सकते हैं। और अब बात है सीट, सीट तो हमने हैंडमेड बनाया है, अभी उस तरीके से बना नहीं है। ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा। और आता है टैंक, टैंक जो इसका स्टॉक है, स्टॉक ही मैंने रखा है, मेरे पास उतने पैसे है नहीं कि मैं अलग से टैंक खरीद सकूँ। सो इसी हिसाब से मैंने इस टैंक को नॉर्मली पेंटिंग किया है। पेंटिंग का प्रोसेस मैं आपको वीडियो का लास्ट में दिखाऊंगा कैसे हमने पेंट किया है, नॉर्मल प्रोसेस है। एंड ये जो पैनल है, पैनल देख सकते हैं, पैनल स्टॉक है, मैंने पैनल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे कटिंग किया था पूरा सा। और यहाँ पे जो है नट बोल्ट, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का बोल्ट, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक देने वाला हूँ, ये नहीं है। सो इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल है, मैंने 5 एम्पीयर की बैटरी इंस्टॉल की है। उसके वो वीडियो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आऊँगा, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत लोग बोल रहे हैं बॉक्सर के वीडियो नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से मैंने ये सोचा कि ये वीडियो कंप्लीट बना लेते हैं, उसके बाद जो ये प्रॉब्लम है वो हम डिस्कस करेंगे। अब इसके इंजन जो स्टॉक है, इंजन का पावर है 8.5 BHP और 8.5 Nm टॉर्क। मुझे नहीं पता, शायद इसका BHP बढ़ चुका है या फिर टॉर्क इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें मैंने 0.5 50 mm का बोर्ड डलवाया था, उस वजह से पावर मुझे लगता है सफिशियंट है। ठीक है, सो टॉप स्पीड इजीली जाता है 100 तक। और ये जो चेन स्प्रॉकेट बड़ा होने की वजह, मतलब चेन जो है स्विंग आर्म एक्सटेंशन होने की वजह से इसका टॉर्क डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है। और गाड़ी बहुत ही अभी स्टेबल है, और गाड़ी का वेट है 109 किलो स्टॉक में, बट इतना मॉडिफाई करने के बाद बाइक डेफिनेटली एक होंडा साइन की बाइक का वेट की वेट जैसा हो गया है डेफिनेटली। ठीक है, बहुत ही भारी हो चुका है, डेफिनेटली 130 किलो तक ये बाइक
मतलब आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं रियर फेंडर, कैसे मैंने ये फेंडर बनाया, और जैसे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देख सकते हैं, हैंडल मूव कर रहा है बट हेडलाइट फाइजर कुछ भी मूव नहीं कर रहा है। सो इसका मैंने चैनल में वीडियो बनाया है कैसे ये फेंडर मैंने बनाया है, सो उसका वीडियो चैनल में उपलब्ध है, मैं डिस्क्रिप्शन जरूर दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिए। और क्या क्या करना पड़ सकता है सब बाइक में इजीली हो जाएगा, सब कुछ क्लियरिफाई करके मैंने बता दिया है। अब ये आटा मीटर, मीटर मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इसमें देख सकते हैं फ्यूल मीटर इनबिल्ट आता है, अगर इसमें हम टैंक में कुछ भी मॉडिफाई करते हैं फ्यूल टैंक में आता है, या फिर दूसरा कोई टैंक इंस्टॉल इसमें करते हैं जो कि फ्यूल मीटर इंस्टॉल मतलब इनबिल्ट इसमें होगा, तो मीटर में कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले है, उसमें फ्यूल मीटर पहले से दिया हो, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। इसे परचेज किया तो मैंने 1200 रुपये में, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ सब परचेज कर सकते हैं। और ये जो फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर इसमें मैंने माउंट किया है, फ्रेम का वीडियो उपलब्ध है, आप देख सकते हैं सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और ये वाइज़र, वाइज़र कैसे बनाते हैं, मतलब वाइज़र मैंने बेसिकली ऑनलाइन परचेज किया था, इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप एक बार देख सकते हैं कितना प्राइस चल रहा है। सो वाइज़र के लिए देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फिटिंग किया है, और यहाँ पे एक और इसमें यूट्यूब का लोगो आएगा, लोगो वाला ब्लॉक जो मतलब इसमें कंप्लीट स्टिकरिंग होगा, अभी कुछ देख सकते हैं कुछ भी स्टिकरिंग नहीं हुआ है, और स्टिकरिंग का वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा जब स्टिकरिंग मैं इसमें लगाऊँगा। ठीक है, अभी इंडिकेटर्स यहाँ पे माउंट किया है, और देख सकते हैं यहाँ पे आपका नंबर प्लेट यहाँ पे मैंने माउंट किया है, और ये व्हील जो है स्टॉक है 18 इंच का है, और इसका टायर का साइज मैं बता देता हूँ, 250 18 इसका टायर है, और ये मडगार्ड स्टॉक है, और देख सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होता है, प्रॉब्लम इसमें होता है केबल मैनेजमेंट पे, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, क्या है कि कैमरे पे पीछे करना पड़ता है, क्योंकि कैमरे में उतना ज़्यादा मतलब एंगल वगैरह सेट करना, कैसे ये एंगल सीधा है, वो सब कैमरे के पीछे होता है, वो सब मैं आपको नहीं दिखा सकता। अब इसमें देख सकते हैं मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका न्यूट्रल स्विच, न्यूट्रल लाइट के जल जाए, और मैं इसका पूरा डीसी सेटअप है, ठीक है, मैंने खुद से बनाया है, डीसी मतलब पार्किंग, मतलब आपका पार्किंग मीटर का लाइट, यहाँ पे अगर मैं पार्किंग लाइट इंस्टॉल करता हूँ वो पार्किंग लाइट, और आपका टेल लाइट एक स्विच ऑन करने के बाद ही कंप्लीट जल जाएगा, जब ऐसे मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हैं, मैं आपको शायद दिन का शूट है ना उसलिए पता नहीं चल रहा है, एक सेकेंड मैं आपको शायद दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं लाइट ऑन, देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ऑन है, और इसमें अगर मैं पार्किंग बल्ब इंस्टॉल करता हूँ पार्किंग बल्ब का लाइट ऑन हो जाएगा, और इस वीडियो के बाद मैं इसमें एलईडी लगाऊंगा, ये जो टेल लाइट है, ठीक है, तो एलईडी लगाने का मकसद ये है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट कोई आफ्टरमार्केट का एलईडी इंस्टॉल करता हूँ तो वो क्या होता है, 10-15 दिन में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें पानी जाएगा, इसके अंदर मैं अगर एलईडी लगाऊंगा तो लुक भी बढ़ जाता है, और कंपनी फिटेड जिसमें पानी नहीं जाएगा तो आपका बहुत अच्छा काम करेगा। ये सब पहले से ब्लैक है, और ये स्टील है, स्टील रहेगा, और मडगार्ड जो स्टील रहेगा, बाकी सब कुछ ये वाला और ये वाला छोड़ के बाकी सब कुछ ब्लैक होने वाला है, इसको स्पेशली ब्लैक करके। और यहाँ पे चैसिस हमने अभी शैम्पू वम्पू से धोया है, इतना हो सका मैंने क्लीन कर लिया, थोड़ा बहुत रस्टिंग यहाँ पे देख सकते हैं, रस्टिंग शुरू हो गया है, ठीक है, मतलब 20 साल पुराना गाड़ी है, तो इसमें जो भी रंग कलर यूज़ के बोलते हैं ना, पहले जो रंग यूज़ होता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, सो अभी वही प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं इसको मैंने घिसा है जानबूझ के, तो कोई भी रस्टिंग देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी रस्टिंग नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। सो अभी जस्ट मैं इसको कलर कर रहा हूँ, सो प्राइमर होने के बाद इसको मैंने जस्ट एक कोट किया है, अभी से शाइनिंग मार रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। सो गाइस हियर इज़ द फाइनल लुक, अभी सारा कोटिंग वोटिंग हमने कर दिया है, जितना हो सके उतना प्रोफेशनली नहीं किया है, ठीक है, ये पूरा ब्लैक है, और दिस इज ऑल्सो ब्लैक, ये आपका टॉप रैक हो गया, मडगार्ड भी हमने ब्लैक किया है पूरा, और अभी कुछ स्टिकरिंग वगैरह का काम कुछ नहीं हुआ, और यहाँ पे ये जो आपका टैंक है, टैंक ठीक है, थोड़ा सा मतलब उतना प्रोफेशनली फिनिशिंग नहीं हुआ क्योंकि इस टैंक को हम चेंज करने वाला है, सो यहाँ पे कुछ धब्बा है, ये तो आपका छुप जाएगा, बेसिकली ये पोर्शन से छुप जाएगा, ठीक है, चैसिस को हमने पूरा ही ब्लैक ब्लैक कर दिया है, ठीक है, जो भी चैसिस है पूरा ब्लैक हो चुका है, और अंदर जो भी रस्टिंग था वो हमने सारा कुछ पेंट से कवर कर दिया है, और
यही था वीडियो। अगर कुछ भी मुझसे छूट गया हो आप कमेंट में डेफिनेटली बताइए, उसके बारे में मैं डिटेल में ज़रूर बताऊंगा। आप एक बार देख लीजिए क्या क्या आपको चीज़ें रिक्वायरमेंट है, मतलब मैं अगर कुछ भी भूल जाता हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सो दिस इज़ द कम्प्लीट बाइक, हिमालयन टाइप का मैंने लुक दिया है इसको, और बाइक बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई भी इशू इसमें नहीं है अभी तक। और वाइब्रेशन बहुत ही नाजुक हो गया क्योंकि इसमें वेट बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली इसका वाइब्रेशन जो है कम हो जाएगा। और क्लच है बिल्कुल लाइट है, देख सकते हैं मैं ये क्यों नीचे कर रहा हूँ। इसका मैंने इंजन रिवील किया था, उसका वीडियो उपलब्ध है। और सबसे अच्छा बात किया है मैंने इसमें, ये जो चीप पोर्शन आता है इसको मैंने काट दिया है ग्राइंडर से, तो अभी भी बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है, और लुक्स भी बढ़िया आता है। और इसमें मैं डबल हॉर्न इंस्टॉल, मतलब अभी बहुत सारे मॉडिफिकेशन इसमें है आएंगे। सो यही था वीडियो कैसे मैंने ये बाइक रेडी किया है। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी जानना हो, कुछ भी इशू हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम लिंक भी यहाँ पे आ रहा होगा। और इंस्टाग्राम में अभी उतना मेंबर है नहीं, तो रिक्वेस्ट करूँगा इंस्टाग्राम में सब लोगों को फॉलो करने के लिए। और इस चैनल को आप आगे बढ़ाइए, तो इसमें डेफिनेटली बहुत सारे मॉडिफिकेशन, बहुत सारे चीज़ें आने वाला है, बहुत सी पेंडिंग है, और बाकी सब बढ़िया। सो हियर इज़ द फाइनल लुक, ठीक है, नीचे से हाइट इतना इंक्रीज हुआ है और देख सकते हैं कोई भी इशू नहीं है, बाकी सब बड़े। इसमें एलईडी में ऑर्डर दिया हूँ C6 का, वो मैं लगाऊंगा, लगाकर टेस्ट करूंगा कि क्योंकि वो विजिबिलिटी बहुत ही अलग लुक देगा। सो बहुत ही बड़ा वीडियो पेंडिंग है, मैं जस्ट थोड़ा सा वीडियो बना रहा था कि बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा, तो मैं अपडेट कर दूँ। तो चलिए, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।